अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्पेशल बात करना चाह रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि किसी को बदनाम करना। मेरा इस वीडियो में मकसद है कि किसी को बदनाम क्यों कर रहे हैं लोग, एक समझ नहीं आ रही कि वो भी किसी की औलाद है। बहुत दुख हुआ, हम इंसान नहीं हैवान बन गए, हैवान। बहुत दुख हो रहा है, वो भी किसी की औलाद है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। कहते हैं दरिया में एक मछली गंदी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम उसको और बदनाम करें। फ्रेंड्स, अल्लाह का नाम लो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज़। जैसे यूट्यूब ऑन करोगे आप लोगों को सिर्फ ये एक चीज़ मिलेगी, हरीम शाह, हरीम शाह, हरीम शाह, हरीम शाह। यार ये भी कोई बात है, आपको पैसे कमाने की, किसी की इज्जत पे लूटने पे आ गए तुम लोग। बड़ी हैरानी की बात है, अब मैं आप लोगों को क्या कहूँ। अब जैसे आप यूट्यूब सर्च करेंगे या गूगल सर्च करेंगे, आपको हरीम शाह या ऐसे वीडियो वायरल हो गई, ऐसी वीडियो वायरल हो गई, किसी के साथ वायरल हो गई, किसी के साथ वायरल हो गई। अल्लाह के बंदे, आप लोगों ने के अल्लाह ताला को मुँह नहीं देना, आप लोगों ने बस पैसे ही कमाने हैं आप लोगों ने। अगले कुछ दिनों पहले उसका बाप आया हुआ था मीडिया पे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप लोग किसी की इज़्ज़त के पीछे क्यों लग पड़ते हैं। क्या आपके पास, क्या आपके घर में माँ बहन बेटी कोई नहीं है? बड़ी अफसोस की बात है। अभी मैंने यूट्यूब ओपन की, तकरीबन तीसरा चौथा दिन, हफ्ता हो गया तकरीबन, मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर हमेशा हरीम शाह, हरीम शाह, हरीम शाह लगी हुई है। अल्लाह के बंदे, आप लोगों के पास और कोई टॉपिक नहीं है? कुछ साल पहले थी कंदील बलोच, वो मेरी अच्छी खासी दोस्त थी, मतलब चैटिंग तो कमोबेश होती थी। वो अचानक जैसे उसकी वीडियो वगैरह थोड़ी सी वायरल हो गई, तो उसको लोगों ने इतना उठाया कि उसके घर वालों ने उसकी मतलब मारने पे आ गए। आप लोगों से मैं एक बार कह रहा हूँ कि ये जब आप लोग इसके पीछे लग पड़े हो ना, इनके घर वाले इसको मार के ही दम लेंगे, क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है दोस्तों। किसी की इज़्ज़त के पीछे मत लगे, हर किसी की इज़्ज़त प्यारी है। आप लोगों से फिर हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ अल्लाह के नाम से किसी की इज़्ज़त के पीछे मत लगें, हर किसी को इज़्ज़त प्यारी है। अगर आप लोगों से, अल्लाह ना करे, अगर आप लोगों का ऐसा मसला होता तो आप लोगों को पीछे कोई ऐसा पड़ जाता तो आप लोगों को कैसा रवैया होता? दोस्तों, मैं अभी अपनी ज़बान से कुछ भी नहीं कह पा रहा कि आप लोगों से क्या कहूँ और क्या समझाऊँ आप लोगों को, क्या पता कुछ लोग सुन पाए या नहीं सुन पाए। ये मेरी वीडियो, आप कोशिश करें कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे ना लाइक की ज़रूरत है, ना कमेंट की ज़रूरत है, ना सब्सक्राइब की ज़रूरत है। जस्ट मुझे पैगाम देना था, और मैं आप लोगों को गूगल में सर्च करके दिखाता हूँ कि हरीम शाह की वीडियो कैसे, हरीम शाह को कैसे लोग बदनाम कर रहे हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों ये देख लें, आप लोग सिर्फ गूगल पे हरीम शाह लिखना है, लिखेंगे तो आप लोगों को ये सब कुछ मिलेगा। किसी की इज़्ज़त ख़राब करना कोई इतना आसान नहीं है। जिसकी इज़्ज़त होती है उसी को पता होता है। देख सकते हैं हर कोई ज़ोर लगा रहा है कि मैं कमा लूँ, मैं कमा लूँ, मैं कमा लूँ। दोस्तों कमाने के और भी मौके हुए हैं, और भी टॉपिक बहुत हैं। ये नहीं कि सिर्फ किसी की इज़्ज़त के पीछे लग पड़ना। जितनी मतलब इस हफ़्ते में जितनी इसकी इज़्ज़त ख़राब हुई है, मैं कहता हूँ और किसी की भी ना हो सकती हो। इसका बाप आया था, इसका बाप आया था टीवी पे, 92 पे था या किसी और पे था, GNN पे था। तो वो कह रहा था मुझे बहुत दिली दुख हुआ है, इतना दुख हुआ है हद से ज़्यादा, पूरी रिश्तेदारों को इतना दुख हुआ है कि मतलब जिसकी होती है औलाद उसी को पता होता है कि हमारे इज्जत पे क्या क्या असर हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं, ये इसका वाले साहब है, तो काला नहीं चढ़ी, ये इसके वाले साहब हैं, ये सफ़ेद दाढ़ी वाले। तो दोस्तों मैं एक भाई के नाते सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसके और वीडियो मत बनाना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।